हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज मैं बनाने वाली हूँ आपके लिए गुजिया। तो गुजिया बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। गुजिया बनाने के लिए आप सबसे पहले आपको ज़रूरत है मैदे की। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने अपना मैदा ले लिया है। मैंने 200 ग्राम तक मैदा लिया है और आपको भी ऐसा ही मैदा लेना है। अब हम मैदे को बाउल में डालेंगे। तो गाइस, हमने अपना मैदा बाउल में ले लिया है। अब हमें मैदे के बीच में ऐसे ही जगह बनानी है ताकि हम अपना घी इसके अंदर डालेंगे। ये देखिए गाइस, मैंने 150 ग्राम तक घी लिया है। अब मैं इसको मैदे के अंदर डालूंगी बीच में। अब इसको डालने के बाद आपको इसको अच्छी तरीके से चम्मच से मिक्स करना है, जैसा कि मैं कर रही हूँ। तो गाइस, मैंने इसमें वो डाल दिया। अब हमें हाथ से इसको अच्छी तरीके से मसलना है ताकि हमारा घी और मैदा आपस में अच्छी तरीके से मिल जाए। तो गाइस, आपको इसे मसलना बहुत ज़रूरी है ताकि आपका डो बहुत स्मूथ बने। तो गाइस, हमें आपको अच्छी तरीके से ऐसे ही मल के दिखाना है। अब इसके बाद अगर आपको हाथ में डो लेना है और आपको ऐसे चेक करना है अगर आपका डो बंद रहा है, यानी मोवन सही पड़ा है। अगर आपका डो नहीं बन रहा है यानी मोवन की और ज़रूरत है। ये देखिए, हमारा डो अच्छी तरीके से रेडी है, अच्छी तरीके से बन रहा है। अब इसके बाद इसमें हम पानी डालेंगे और हमें गुनगुना वाटर डालना है। और हमें बस थोड़ा सा वाटर डालकर इसको अच्छी तरीके से गूंदना है। गैस ज़्यादा वाटर नहीं डालना है। हमें पूड़ी से थोड़ा सख्त आटा गूंदना है, जैसे हम पूड़ी के लिए गूंदते हैं वैसे ही उससे थोड़ा सख्त आटा हमें गूंदना है गुजिया के लिए। तो गैस, जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने अपना वो आटा गूंद लिया है। अब इसके बाद हम इसे 20 मिनट तक ऐसे ही रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। 20 मिनट बाद ये अच्छी तरीके से फूल जाएगा। गैस, आपको ऐसा ही हार्ड आटा गूंदना है जैसा कि मैंने गूंदा है। आप अपना आटा अगर लो रखेंगे तो बिल्कुल उसकी जो गुजिया होगी वो फट जाएगी और उसको तलने में बहुत दिक्कत होगी। इसीलिए आपको ऐसा ही हार्ड आटा गूंदना है जैसा कि मैंने गूंदा है। अब इसको हम 20 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। तो गैस, जब तक हमारा मैदा फूल रहा है तब तक हम आगे की प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो गैस, मैंने पैन को अच्छी तरीके से गर्म कर लिया है। अब इसके बाद मैं मूँगफली डालूंगी। मैं 100 ग्राम तक मूँगफली डालूंगी। अब इस मूँगफली को हमें हल्का सा रोस्ट करना है। तो गाइस, हमें इसको हल्का सा रोस्ट करना है। गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो मेरे चैनल को फटाक से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि आपको हमारी न्यू न्यू वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो गाइस, ये गुजिया बहुत ही यूनिक है। मैं इसे बिल्कुल अलग तरीके से बना रही हूँ। लोग मूँगफली का यूज़ नहीं करते लेकिन इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा गुजिया में। तो आपको भी, अगर आपके पास बादाम ना हो तो मूँगफली बेस्ट ऑप्शन है। इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। गैस, ये देखिए, हमारी मूँगफली अच्छी तरीके से रोस्ट हो गई है। तो गैस, अब हम अपने गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। तो गैस, हमारी मूँगफली अच्छी तरीके से रोस्ट हो गई। अब इसके बाद हम इसमें डालने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट इन्ग्रीडियंट, मखाने। इससे बहुत ही यूनिक फ्लेवर आएगा और ऐसी गुजिया आपने पहले कभी नहीं खाई होगी। मैंने इस गुजिया को लाइक का टारगेट 1000 रखा है। आई होप आप लोग इसे पूरा करेंगे। तो लाइक करना ना भूलिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए ताकि मेरी ये जो न्यू रेसिपी है वो आप लोगों के पास पहुंच सके। गाइस, हमारे मखाने भी अच्छी तरीके से रोस्ट हो गए हैं। ये दोनों अच्छी तरीके से रोस्ट हो गए हैं। अब इसके बाद हम अपने गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो गाइस, मैंने अपने मूँगफली के दाने और ये देखिए इसको अच्छी तरीके से क्रश कर लिया है दरदरा मिक्सी में डालकर। और ये हमारा मखाना है, ये भी देखिए हमने हल्का सा क्रश किया है, बिल्कुल मोटा मोटा सा। आपको भी ऐसे ही करना है। अब इसके बाद हम अपने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे हाथों से। अब इसके बाद हम अपने गैस के फ्लेम को ऑन करेंगे। तो गैस, जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने दोनों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब इसके बाद हमें इसे अच्छी तरीके से चलाना है। अब इसे हमें और रोस्ट करना है। पहले हमने इसे बिल्कुल हल्का सा रोस्ट किया था क्योंकि हमें इसका ऐसे दरदरा पाउडर बनाना था। अब हम इसे अच्छी तरीके से रोस्ट करेंगे। मिश्रण है वो अच्छी तरीके से भुन गया है। अब इसके बाद हम इसको निकाल लेंगे अपने दूसरे बाउल में। तो गाइस, हमें अपने पैन को अच्छी तरीके से गर्म करना है और इसके बाद मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ खोया। ये देखिए गाइस, मैंने इसमें 180 ग्राम खोया डाला है। अब इस खोए को हमें अच्छी तरीके से डाल करना है लेकिन इसको जलाना नहीं है। और हमने घर का बनाया ही खोया लिया है। अगर आपके पास गाइस खोया ना हो तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे मिश्रण में वैसे भी बहुत फ्लेवर है, आप उसको ऐसे भी डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा खोया डाल देंगे तो उससे बनने में बहुत आसानी हो जाएगी। ये देखिए, हमारा खोया अच्छी तरीके से रोस्ट हो गया। अब गाइस, हम अपने गैस के फ्लेम को बिल्कुल धीमा कर देंगे।
और खोए को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो गाइस हमारा खोया अच्छी तरीके से हो गया है। अब इसके बाद हम इसमें डालने वाले हैं शुगर का बूरा जो मार्केट में अवेलेबल है। अगर आपके पास बूरा नहीं है तो आप नॉर्मली शक्कर को अच्छी तरीके से मिक्सी में बारीक पीस लें और ऐसा ही इसका बूरा तैयार हो जाएगा और इससे हमारी गुजिया बहुत ही टेस्टी बनने वाली है। गाइस बहुत लोग गुजिया में रबड़ डालते हैं जिससे उसका फ्लेवर बहुत ही गंदा आता है, लेकिन लोग खा लेते हैं। मुझे खोए में गुजिया रवा बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो इसीलिए मैं रवा नहीं डालती हूँ और मैं बहुत ही अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर रही हूँ। आपको भी इसे अच्छी तरीके से मिक्स करना है। गाइस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। गाइस जैसा कि आप देख रहे हैं हमारी शक्कर हल्की सी मेल्ट हो रही है। अब इसके बाद हम इसमें अपना तैयार किया हुआ मिश्रण डाल देंगे और इसे भी हमें अच्छी तरीके से वेल मिक्स करना है। तो आपको इसको बराबर बराबर चलाते रहना है ताकि हमारा खोया नीचे से लगे ना। गाइस हमने बहुत कम खोए में अपनी गुजिया तैयार की है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। इसमें आपको क्योंकि होली का सीज़न चल रहा है और खोए में बहुत मिलावट आती है, इसीलिए आप थोड़ा सा खोया घर में बनाकर ये रेसिपी गुजिया वाली ट्राई कर सकते हैं। कि मार्केट में जो खोया मिलता है वो बहुत ही मिलावट वाला होता है, तो आप थोड़े से खोए में इतनी ढेर सारी गुजिया बना सकते हैं। तो गाइस अब हम इसमें ऐड करेंगे गुजिए को फ्लेवर देने के लिए बहुत ही खास इंग्रेडिएंट। तो गाइस हम ऐड कर रहे हैं इलायची पाउडर। हमने 7-8 इलायची का पाउडर को पीस कर अब इसमें मिक्स कर दिया है। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे गर्री के लच्छे जो मेरे फेवरेट हैं। मुझे गर्री के लच्छे बहुत पसंद है। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप नहीं डाल सकते हैं, लेकिन मुझे बहुत पसंद है इसलिए मैं 4 बड़ा चम्मच डालनी हूँ। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है। अब इसके बाद हम इसमें डालने वाले हैं किशमिश हमने। तो गाइस हमने किशमिश डाल के इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। ये देखिए हमारा बनने वाली स्टफिंग बिल्कुल रेडी है भुजिया में बढ़ने के लिए। अब हम अपने डो को देखते हैं। तो गाइस अब अपना हम डो चेक करते हैं जो हमने रख दिया था। ये देखिए हमारा डो अच्छी तरीके से रेडी है। अब इसको हमें एक बार और गूंदना है और हाथों से अच्छी तरीके से मसलना है। ये देखिए जैसा कि मैं मसल रही हूँ इस तरह से डो मसलने से हमारी जो गुजिया है वो फूलती नहीं है और बहुत ही क्रंची बनती है। और बहुत लोगों की गुजिया फूल जाती है तो उससे स्वाद अच्छा नहीं आता है, तो इसलिए आपको हाथ से मसलना बहुत ज़रूरी है। तो गाइस हमें अपना डो काउंटर पे रख लेना है जैसा कि मैंने रखा है। अब इसे हाथ से अच्छी तरीके से मैश करना है, इससे हमारी गुजिया बहुत ही डिलीशियस बनेगी और बहुत ही क्रंची बनेगी। गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलिए और मेरे चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। अब ये देखिए हमारा जो डो है बहुत अच्छी तरीके से रेडी है गुजिया बनाने के लिए। अब इसको हम बेलेंगे। तो गाइस सबसे पहले हम लोई बनाएंगे। हमें थोड़ा सा आटा लेकर बिल्कुल नन्ही नन्ही सी लोई बनानी है हाथ के बीच में रखकर, और हाथ के बीच में आटे को रखकर मसलना बहुत ज़रूरी है, इससे हमारी गुजिया बहुत ही क्रंची बनेगी जैसा कि मैं मसल लूँगा। और इसके बाद हम इसकी लोई की शेप देंगे और हम इसको बेलेंगे। तो गाइस हमें इसे पूड़ी के आकार में बेलना है और हमें इसे बराबर से बेलना है। हमारी पूड़ी कहीं से भी मोटी पतली नहीं होनी चाहिए, एक समान होनी चाहिए। ये एक इम्पॉर्टेंट टिप है, इससे ही हमारी गुजिया परफेक्ट बनेगी। तो इस तरह आपको बेलना है। अब इसको हम गाइस आपको सूखा आटा और घी लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर अच्छी तरीके से आटा बनाए होंगे जैसे मैंने बताया तो आपको कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद हम अपनी मशीन लेंगे। ये मशीन आपको मार्केट में अवेलेबल होगी। अब इसके बाद हम इसके बीचों बीच में इसको रखेंगे इस तरह से और अब हम अपनी स्टफिंग इसके अंदर भरेंगे। ये हमारी स्टफिंग है जो हमने तैयार की थी। तो गाइस हमें अपने तैयार हुए स्टफ को लेना है स्टफिंग को और इसको ऐसे ही एक तरफ से भरना है। और हमें ख्याल रखना है कि हमें ओवर नहीं भरना है वरना हमारी गुजिया तलते समय बाहर निकल जाएगी। आप अच्छी तरीके से हाथ में बैलेंस कर लीजिए। ये देखिए अब इसके बाद तो गाइस ये हमारा बैटर है जो हमने थोड़ा सा मैदा डालकर उसको खोला है। अब इसके बाद हम इसको इसी से अपनी गुजिया को बंद करेंगे। इस तरह से आपको साइड साइड पे लगा लेना है अपना गोल अच्छी तरीके से जैसा कि मैंने लगाया है। अब इसके बाद आपको मशीन को अच्छी तरीके से कस कर बंद करना है ताकि आपकी मशीन अच्छी तरीके से टाइट हो जाए जैसा कि मैं कर रही हूँ। अब इसके बाद जो एक्स्ट्रा
आटा होगा उसको आपको निकाल लेना है। तो गाइस इसी तरह आपको टाइप करके आटा निकाल लिया है मैंने इसका एक्स्ट्रा। अब मैं इसको खोल लूँ, ये देखिए हमारी गुजिया बनकर रेडी है। अब इसको हम मशीन से निकाल लेंगे अच्छी तरीके से और इसको हम प्लेट में रख देंगे इस तरह से। ऐसे ही हम अपनी सारी गुजिया को बनाकर रख लेंगे। ये देखिए गाइस हमारी गुजिया कितनी अच्छी बनी है और आप भी ऐसी ही गुजिया बनाइए। अब हम सारी गुजिया बनाने वाले हैं। तो गाइस ये देखिए हमने अपनी गुजिया बना ली है जैसा कि आप देख रहे हैं। अब हम इसको तलने वाले हैं। तो गाइस हमने अपने घी को गर्म कर लिया है। हमें ज़्यादा घी को हाई फ्लेम पर नहीं गर्म करना है, हमें बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर घी को गर्म करना है। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा घी गर्म हो चुका है। अब इसके बाद हम इसमें गुजिया डालने वाले हैं। तो गाइस हमें एक एक करके अपनी गुजिया को हल्के हाथों से डालना है इस तरह से। अब इसे हमें हल्की आंच पर पकाना है। गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलिए। अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारी गुजिया बहुत अच्छी तरीके से कुक हो रही है और ये कहीं से भी फटी नहीं है क्योंकि हमने इसे बहुत अच्छी तरीके से भरा है। अगर आप मेरे बताए हुए टिप को फॉलो करेंगे तो आपकी गुजिया कभी भी फटेगी नहीं। अब इसके बाद हम इसको हल्का सा पलटेंगे इस तरह से। हम अपने गुजिया को पलटना है और इसे दूसरी साइड से भी कुक करना है। तो गाइस जैसा कि आप देख रहे हैं हमारी गुजिया हल्की से लाल हो गई है। अब हमें इसे ज़्यादा लाल नहीं करना है। ये देखिए हमारी गुजिया तैयार है बनकर। अब इसे हम ऐसे ही 2 मिनट रखेंगे तेल में, इसके बाद हम इसे निकाल लेंगे। ये देखिए गाइस हमारी गुजिया रेडी है खाने के लिए। अब मैं इसकी प्लेटिंग करने वाली हूँ। गाइस हमारी गुजिया बनकर रेडी है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये बहुत ही अच्छी बनी है और इसका रंग आपको दिखाई दे रहा होगा। तो गाइस अगर आपको ये गुजिया पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलिए। अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो फटाक से सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस वीडियो को मैंने 1000 लाइक का टारगेट रखा है, आई होप आप लोग इसे पूरा करेंगे। तो गाइस मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको किसकी गुजिया सबसे ज़्यादा पसंद है, मम्मी की या नानी की या दादी की या बहन की, जिसकी भी पसंद हो मुझे बताइएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। हैप्पी होली गाइस, बाय, टेक केयर।